मैं ना मैया जब लेके आई, नारद जी ने हस्तरेखा देखी है तो नारद जी कहने लगे कन्या सुशील होगी, सुंदर होगी, गुणवान, चरित्रवान, और ये कन्या लक्ष्मी का अवतार है, देवी का अवतार है। लेकिन अब जान लेकिन लग जाए किंतु परंतु लेकिन, मैना मैया कहने लगी बोलो बोलो आगे बोलो। क्या बोले, इस बेटी का जहां विवाह होगा ना घर होगा ना परिवार होगा ना खानदान होगा ना द्वार होगा ना परिवार होगा, इसका पति जो होगा वो 80 साल का बुड्ढा होगा, शरीर पे भस्म रमाए होगा, जटाधारी होगा, गले में सर्प की माला पहने होगा, उसके साथ इसका विवाह होगा, इसका नाम शंकर होगा। मैना मैया बोली जाओ जाओ जाओ, 80 साल के बुड्ढे के लिए हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। ये बात सुनी तो भगवान कहने लगे, नारद जी कहने लगे कि सुनो, इस विध के विधान को कोई टालने वाला नहीं है। नारद जी कहा कि ये बिटिया का तुम्हारे गुण बहुत अच्छा है, इसका नाम पार्वती होगा, पार्वती नाम पड़ा है। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए निकल जाते हैं राजा हिमांचल की नगरी से। घर में धीरे 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 पार्वती की कुछ बड़ी हुई है, और घर में कन्या जिस दिन आ जाती है ना, घर प्रकाशवान हो जाता है। जिस दिन बेटी जन्म लेती है उस दिन घर में दो चीज लेके आती है, एक शक्ति, दूसरा प्रकाश। और जिस दिन बेटी घर से विदा लेती है ससुराल के लिए उस दिन दोनों चीज लेके चली जाती है। जब आती है तब शक्ति और प्रकाश लेके आती है, और जब जाती है तब दोनों ले जाती है। जो बाप अपनी बेटी को विदा कर चुके होंगे उनको मालूम होगा कि जब बेटी की विदा करते हैं उससे एक दिन पहले, परसों हमें भी तीन कन्याओं को विवाह महोत्सव रचाना है, आश्रम में बारात आ रही है, तीन बिटियाओं की शादी इस पावन भूमि में होने जा रही है, और तीन कन्याओं का विवाह महोत्सव परसों है, और तीनों कन्याओं को ये दास अपने हाथ से गोद में उठा के और डोली में बैठा के विदा करेगा। और मैं तो कहता हूँ सबसे कि आप सभी उन कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए जरूर पधारे भैया। भगवान किसी को बेटी दे लेकिन गरीबी ना दे, बेटा चार दे दे फिर भी गरीबी दे दे कोई बात नहीं, लेकिन बेटी अगर एक दे फिर भी गरीबी ना दे। सौभाग्य हमारा कि तीन कन्याओं का हमें कन्यादान लेने का संकल्प प्राप्त होगा। सतगुरुदेव भगवान की दया कृपा रही तो अगली बार 11 कन्याओं का विवाह महोत्सव रचाने का दास करेगा। इस बार 5 कन्याओं का विवाह महोत्सव रचाना था लेकिन कन्याएं 5 हमें नहीं मिल पाई, 3 कन्याओं का विवाह महोत्सव परसों है। आप सभी हमारे मुख्य द्वारा कहा जा रहा है कि आप सभी आमंत्रित हैं, जरूर पधारिएगा, हमारी 3 बिटिया की शादी है, आप जरूर आइएगा भैया, और आशा करूंगा कि आप जरूर आएंगे। और कितने लोग घर में बेटी हाथ उठाना, कितने लोग घर में बेटी हाथ उठाओ, इन घर में बेटी, जिनके घर में बेटी है वे बहुत बड़े धनवान है, शक्तिवान है, चरित्रवान है, गुणवान है, और दो दो परिवार को जोड़ने का काम करेंगे जिनके घर में बेटी है वो बहुत भाग्यशाली है। ये ध्यान से सुन लें कि हम बड़े किस्मत वाले हैं जो हमें बेटी मिली है। अगर आपको पीड़ा होती होगी तो बेटा तो टहला देता होगा, कहना नहीं सुनता, बल्कि बेटी आधी रात में दुआ बन के पूछती होगी पापा कोई दर्द तो नहीं है, मम्मी कोई पीड़ा तो ज्यादा नहीं है। बेटी की जब विदा करते हैं ना तो बेटी दो चीज ले जाती है, एक लक्ष्मी और एक शक्ति।
बेटी की शादी करो, किसी से कर्ज ना लो, फिर भी अगर कोई पूछे कि भैया 5,000 रुपया दे दो, अरे भैया तो मालूम है बिटियों ब्याह करो, बोलो ऐसे लग रहा हो सब खेत पेत बेच के बिटिया इन्हें दे दो, साहब जो नाम जरूर ले लेंगे बिटियों ब्याह, मालूम पड़ा तो सब लक्ष्मी ले गई, वास्तव में वो लक्ष्मी ले गई। और शक्ति शरीर की, जिस दिन पिता बेटी को डोली में उठा के बैठालते हैं, भाई डोली में उठा के बैठालते हैं, और उस दिन टेंट वाले आ जाए और जाके भैया हिसाब कर दो, तो मालूम क्या करेंगे, भैया रुपया तो रखे हैं लेकिन शरीर में बिल्कुल शक्ति ना है, कल ले आ जाइए पर्चा लेके, कल तो हिसाब कर देंगे, आज बिल्कुल शरीर में शक्ति खत्म है, आज हमें केवल लेटन हो, बिल्कुल शरीर काम ना कर रहा हो। बेटी की जिस दिन विदा होती है उस दिन बेटी शक्ति साथ लेके चली जाती है, इसलिए भगवान से दुआ किया करो, हे प्रभु हर घर में एक बेटी जरूर जन्म ले, हर घर में, और मुझे तो बेटियों से बहुत प्रेम है, आश्रम में बहुत कन्याएं रुकी हैं, जब भंडारा चलता है तो छोटी छोटी नन्नी नन्नी कन्याएं हैं यहाँ, 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल की, अब बड़ी बड़ी होगी वो तो खा लेंगी, पूछ भी लेंगी, अब वो उनके मम्मी पापा है नहीं तो हम मम्मी बन जाते, पापा बन जाते, हम रात फिर पूछ लेते ललित तुम कुछ खा लो कि हाँ कहाँ रहती है फलानी जगह, और शायद आप अगर प्रेम देंगे किसी की बेटी को तो वो बेटी आपका भी पूर्ण ध्यान रखेगी, कि हमारे जब बेटी विदा होती तब उसे हर किसी की याद आती, मेरे चाचा, मेरे मौसा, मेरे काका, मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरे पापा, हर किसी की याद आएगी, जो सामने मिल जाएगा उसी गले भर लेगी, अरे मेरी बुआ, रोने लगेगी, चिल्लाने लगी है बुआ हम कहाँ जा रहे हैं, बुआ हमें कहाँ भेजा जा रहा है, अरे मेरी माई, अरे मेरी मौसी, जो मिल जाएगा बेटियों का वो हाल। जब घर में आई तब प्रकाश लेके आई, आज घर बिल्कुल अंधकार का हो गया। आज सुबह सब लोग, हम लोग लगे थे आश्रम में बारात की व्यवस्था कर रहे हैं पहले से ही, तो सफाई चल रही थी तो प्रकाश हो रहा है अभी ना, और जिस दिन बेटियों की विदाई होगी उस दिन देखना अंधकार हो जाएगा उसी जगह पर, बिल्कुल जिस जगह को आप अभी प्रकाशवान बना रहे हैं ना, वो जगह उस दिन अंधकार वाली दिखाई देगी, आप निश्चित रूप से ध्यान रखना, जहाँ आप अभी बारात की व्यवस्था कर रहे हैं ना आश्रम में, वो जगह में अंधकार दिखाई देगा। आज पार्वती जी घर में है, धीरे धीरे कुछ बड़ी हो रही है, प्रकाश हो रहा है, और बेटी जिस दिन से जन्म लेती है माता पिता को विवाह की सबसे पहले चिंता हो जाती है, तो भैया बिटिए हुए हमारे घर में, मैं आप सबसे एक बात कहूं, वो लोग हाथ उठाए जिनके घर में बेटी नहीं है, नहीं है वो ऊंचा हाथ उठाओ, अब वो उठाए जिनके घर में बेटी है, दोनों लोग उठाओ, जिन कन्याओं का विवाह महोत्सव हो रहा है, आप उन कन्याओं को दान में कुछ ना कुछ जरूर दें, जरूर दें। उस दिन हमारे आनंद जी और ये कुछ लोग गए थे, भगवान शंकर ने नादिया से कहा, नादिया जाओ सभी देवताओं को निमंत्रण देके आओ, हमारे गढ़ों को निमंत्रण देके आओ, और सुनो नादिया इधर आओ कि हाँ शुक्र शनिचर को जरूर निमंत्रण देके आना। नादिया बोला ठीक है, इंद्र के बाजे करके आना। नादिया चला है निमंत्रण देने के लिए, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, उसके बाद नादिया शुक्र शनिचर के पास पहुंचा, आवाज लगाई शुक्र भैया है, जब शुक्र भैया को आवाज लगाई तो शुक्र भैया बाहर निकल के आए, नाक जो है आसमान से छू रही है, 32 फुट के दांत निकल के बाहर खड़े हैं, का आपका ही नहीं शुक्र है कि हाँ, का बाबा की शादी है। शुक्र भैया कहने लगे जरूर आएंगे, जरूर तो आएंगे, पहले दांत थोड़े छोटे करा के आइयो, कि हाँ ठीक है भैया जरूर आएंगे। शनिचर के पास पहुंचे, का शनिचर भैया है, जैसे ये कहा कि हाँ, जैसे ये कहा कि हाँ बताइए भैया, निकल के आए तो देखा कि इंडिया गेट की तरह मुंह खुलो है, कहा भैया इस मुंह में कुछ लगा के आना, इतना बड़ा मुंह नहीं लेके आना, कि हाँ ठीक है भैया जरूर आएंगे, बाबा की शादी है, आज इधर
इंद्र के बाजे किए हैं और राजा हिमांचल ने अपनी नगरी में हमारे दरोगा जी भूपा जी जैसे तैयारी में लगे पड़े हैं बेटियों की शादी के लिए, और हम सब ऐसे ही आज राजा हिमांचल अपने नगरी में तैयारी में लगे हैं कि बारात आने वाली है। पार्वती जी की सखियां को सहेली पास में आई हैं और श्रृंगार करने के लिए, जब श्रृंगार करने के लिए आई हैं तो पार्वती कहने लगी कि हे सखियों, मुझे आज इतना सुंदर सजाना, ऐसा श्रृंगार करना जो आज तक किसी का नहीं हुआ हो। सखियां कहने लगी ठीक है, आप सभी माताएं बोलेंगी आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। सब वितरण होना कोई मत कर दो, सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी किन्नर सजाई, सतगुरु ने मेरी किन्नर सजाई, उनको बुला के हथ ले बात करा दो, 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 मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर